नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सबके जीवन में भौतिक सुख सुविधा काफी मायने रखती है, नहीं? हमें जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, धन से चाहिए, कपड़े खरीदने से लेकर के भोजन प्राप्त करने तक में धन अति आवश्यक होता है। ऐसे ही हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे भाव होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी स्थिति हमारी वेल्थ कंडीशन को बताती है, यानी वो बताती है कि हमारे पे माता लक्ष्मी की कृपा है या हमें परिश्रम करना पड़ेगा ज्यादा। यह भी बताती है कि अगर ऐसे ग्रह हमारे जीवन में सही पोजीशन में हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो यहां पे हमारे जीवन में बहुत सारी धन और संपत्ति आ सकती है, वेल्थ जनरेशन हो सकती है, आपकी सेविंग्स होगी और आपके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं रहने वाली, चाहे वो भोजन का रिसोर्स हो, चाहे कपड़े, चाहे वो लग्जरी आइटम्स ही क्यों ना हो। यहां पे एक ऐसा भाव कुंडली का है जिसे हम बहुत ही गूढ़ता से देखना चाहेंगे, उसे समझना चाहेंगे और उसके डेप्थ में जाना चाहेंगे। जब आप उस भाव को पूरी तरह से समझ जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि वो भाव, वो कुंडली का एक्सप्रेशन, वो एंगल हमारे जीवन के लिए कितना अधिक महत्व रखता है और उस भाव का जो स्वामी है वो हमारी सेविंग्स, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल सिक्योरिटी, फैमिली स्टेटस और यही नहीं हमारे भोजन और हमारी स्माइल को भी दर्शाता है। ये प्लैनेट अगर दुष्टान भाव यानी 6, 8 या 12 में बैठ जाए तो ये या तो कर्जे बढ़ा सकता है या आपकी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए फंसा सकता है या आमदनी, इनकम को खर्च में परिवर्तित कर सकता है। अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको बड़ा सही परिणाम दे सकते हैं और अगर ये बिगड़ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। आप देख रहे हैं पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी, आपका एस्ट्रोलॉजी फेवरेट एस्ट्रोलॉजी चैनल, और आप इसे सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट अवश्य डालें और आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे वो हमें लिखें। उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं। आप कुंडली PDF चाहते हैं जो सिस्टम जनरेटेड होती है, एक कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट जो आपके लिए 300 पन्नों की रिपोर्ट है जो आपको अपने जीवन का बहुत सारे आयाम, साथ में न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताएगी, आपके चार्ट, आपकी पर्सनलाइज हॉरोस्कोप जो आपके डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ से बनेगी, यानी ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ खास आपके लिए बनी हो। बस याद रहे ये एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट है, कंसल्टेशन के लिए अलग माध्यम है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा करते एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके कृपा हो तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आती है और आपको हमेशा सुख का अनुभव होगा और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुंडली के 12 भाव होते हैं, पहले से लेकर 12वें। पहला भाव एक चीज को इंडिकेट करता है, दूसरा तीसरे किसी और चीज को, इसी तरीके से जैसे ज्योतिष हमारे जीवन के अलग अलग आयाम होते हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं, उसी प्रकार से कुंडली भी अलग अलग आयाम पुरुषार्थ को दर्शाती है। जहां आपका प्रथम भाव, जो आपका चंद्रमा जहां उपस्थित हो, जहां आपका लग्न हो, वो आप स्वयं हैं, आपका मानसिक विचार है, वहीं एक ऐसा भाव है जो ऐसी एंगल को इंडिकेट करता है जो हमारे जीवन में समृद्धि को दर्शाता है। अगर इस पे बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यहां बृहस्पति का या शुक्र देव की प्लेसमेंट हो या चंद्र से द्वितीय बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़े तो अवश्य ही हमारे जीवन में, आपके जीवन में एक बहुत उन्नति होती है, विस्तार होता है और आप हमेशा एक स्माइल लेकर के आगे बढ़ते हैं और लोगों को आपकी प्रेजेंस बहुत पसंद आती है। ऐसे भाव का सही होना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा कई केसेस में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कर्ज में डूबा है या वो किसी एक रिलेशन के प्रति अत्यधिक खर्च कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा डूब जाता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में फंस सकता है, रियल एस्टेट में फंस सकता है, आपने किसी को कर्जा दिया, उधार दिया, सोचा कि वो आपको रिटर्न करेगा और वो पैसा गायब हो जाता है, डूब जाता है। साथ ही साथ आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी शौक के तौर पर तो कभी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होती। ये सब उस एक भाव की वजह से होता है जो ये दर्शाता है कि आपके जीवन की पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। ये वो भाव है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा पर्सनल,
सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जीवन में वैल्यू सिस्टम को दर्शाते हैं। और अगर इस भाव में सकारात्मक ग्रह बैठे, खासकर अगर काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए, अगर चंद्रमा उपस्थित हो, तो अवश्य ही मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित होता है, आप जगह जगह घूम सकते हैं, आप एंजॉय करते हैं लाइफ को, और आप लाइफ को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आप इतने तृप्त होते हैं कि आपको दुनिया में हर जगह खुशियां दिखाई देती हैं। परंतु अगर यहाँ पे शनिदेव की उपस्थिति हो, राहु की उपस्थिति हो, या अथवा केतु की उपस्थिति हो, तो यहाँ पे तुरंत ही एक भूख डेवलप होती है, एक ऐसी हंगर जो पूरी नहीं होती। शनि और शुक्र की उपस्थिति हो जाए यहाँ पे तो दरिद्र योग बन सकता है। राहु चंद्र हो या सिर्फ राहु हो तो व्यक्ति सिर्फ धन के पीछे भागता है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और केतु होने से स्वतः ही वो धन को त्याग सकता है, वो इतना रिस्क लेगा, इतना गैम्बल करेगा कि पैसा अकाउंट में टिकेगा नहीं, पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। ये वो भाव है जिसे आप बिगड़ने नहीं दे सकते, और आपको इस भाव से रिलेटेड उपाय अवश्य करने चाहिए, भले छोटे से उपाय क्यों ना हो। अगर आप धन समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका उपाय अवश्य करें। लग्न से या चंद्र से, दोनों से इसका उपाय किया जा सकता है। हम हर ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। भाव कौन सा है? यह भाव है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव कुंडली में कुटुंब भाव या धन भाव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहां पर कुटुंब भी है और धन भी है, क्योंकि धन सिर्फ मनी पैसा नहीं होता, स्वास्थ्य भी आपका धन है, संतुष्टि भी आपका धन है, परिवार भी आपका धन है। आपको व्यक्ति साथ देंगे कि नहीं देंगे, परिवार का बिजनेस आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, आपके एम्बिशन में, आपके सिचुएशंस में आपका परिवार आपका साथ देगा या नहीं देगा, ये सेकंड हाउस निर्धारित कर सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस के स्वामी की स्थिति पॉजिटिव हो चार्ट में, तो धन स्वतः ही आता है। मेहनत तो आदमी हर कोई करता है, लेकिन आपको उसका अच्छा फल मिलता है। और इसकी स्थिति अगर खराब हो जाए तो यहां पे पैसे आने में कई कठिनाइयां होती हैं। आइए चर्चा करते हैं, सेकंड लॉर्ड चंद्र से हो या लग्न से हो, सेकंड लॉर्ड कुंडली का जो दूसरा भाव है, उसे उसमें कौन से ग्रह उसके स्वामी हैं। इस वीडियो में हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि सेकंड हाउस में कौन से ग्रह आपकी कुंडली में प्लेस्ड हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, उसके स्वामी कौन है, और उसका उपाय क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, अगर दूसरे भाव में आपकी मेष राशि है, यानी दूसरे खाने में नंबर वन लिखा है तो मेष राशि है, यानी इसके स्वामी मंगल है, यहां आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, वृक्षारोपण करें, जल को बचाएं और मंगलवार का व्रत रखें। अगर धन संपत्ति चाहते हैं तो मंगल से रिलेटेड हवन, सुंदरकांड का पाठ भी अति गुणकारी होगा यहां पर। चलिए, दूसरे भाव में अगर दूसरी राशि हो, यानी कि वृषभ राशि हो, तो यह अति उत्तम माना जाता है, लेकिन यहां पे आपको मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और अपने धन का सदुपयोग करें, किसी की सेवा अवश्य करें। दूसरे भाव में अगर तृतीय राशि यानी कि जेमिनाई जोडियक साइन है, चाहे वो चंद्र से या लग्न से, तो यहां पे आपको भ्रमण करना चाहिए, घूमें, साथ ही साथ आप रोटेशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस करें, एक जगह टिक के पैसा नहीं रहेगा, उसे घुमाते रहें, पैसा को इन्वेस्ट करते रहें, इससे आपको अति लाभ प्राप्त होगा। चलिए, साथ ही साथ दूसरे भाव में अगर आपकी कर्क राशि आती है, कर्क राशि यानी चंद्र की राशि, यानी यहां पे पैसा फ्लो होगा, पॉजिटिवली फ्लो होगा, पर अगर आपका चंद्रमा खराब है तो अगर आप अपने पैसे को एक जगह जमा देंगे तो वो पैसा सड़ने लगेगा, तो यहां पे एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर सेकेंड हाउस में चंद्र की राशि है तो अवश्य यहां पे मूड बेस्ड आपकी इनकम होगी, यानी आपका कभी मन करेगा बहुत कमाएं, कभी इंथुजियाज्म आएगा और कभी ऐसा लगेगा कि कमाने का मन नहीं कर रहा, तो वहां थोड़ा संभल के चले। अगर दूसरे भाव में पांच नंबर की राशि है यानी कि सिंह राशि है, तो अवश्य ही आपके जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा है, यहां विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गुरुवार का व्रत रखें और साथ ही साथ अपने धन को किसी अच्छे सहयोग, किसी का सहयोग करें, और जो व्यक्ति नेत्र से कमजोर हैं या नेत्रहीन हैं उन्हें सहायता अवश्य करें। सेकेंड हाउस में सिंह राशि का मतलब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, परिवार का सपोर्ट आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड सन नीच या राहु केतु के साथ ना हो। सन अगर पॉजिटिव हैं तो पिता का साथ भी मिलेगा, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के योग बनेंगे। दूसरे भाव में कन्या राशि होने से आपको ये देखना है कि आप बहुत कैलकुलेटिव हैं, मेथोडिकल हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाले और बैंकिंग में काम करने वाले जातक हैं, तो आप
अपने पैसे को माइन्यूटली कैलकुलेट करें। आप सीए बन सकते हैं, सीएफए बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। बुध अगर खराब है तो धन का एक्सपेंस को कंट्रोल करें। अगर आपकी दूसरे भाव में तुला राशि है तो यह दिखाता है कि आपको बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। यहां पे शादी के उपरांत, विवाह उपरांत धन आने के बड़े योग बनते हैं, स्पेशली अगर चंद्र से द्वितीय तुला राशि है तो। यहां पे माता लक्ष्मी की उपासना अति आवश्यक है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इसका मतलब आपको धन के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए, सिंपल जीवन जिए, सादा जीवन, उच्च विचार, इस पे काफी ज्यादा फोकस करके आगे बढ़ें। और साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। हनुमान जी की उपासना अति आवश्यक है। अगर दूसरे भाव में धनु राशि है तो इसका मतलब यह है कि आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य के अनुसार धन का अर्जन करना होगा, धन की सेविंग करनी होगी। 50% आप सेव कर पाएंगे, 50% खर्च हो जाएगा। यहां पे यज्ञ और हवन की रेमेडी अति उत्तम रहेगी आपके लिए और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में कुछ योगदान अवश्य करें। मकर राशि अगर आपके द्वितीय भाव में है तो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, जितना करेंगे उतना रिजल्ट आएगा, परंतु शनिदेव अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो पैसा आएगा और कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो ऐसे केस में पैसे को कहीं इन्वेस्टेड रखें, लॉक करके रखें और साथ ही साथ शनिदेव की उपासना करें। अपने से जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनकी मदद अवश्य करें। अगर आपकी दूसरे भाव में कुंभ राशि है तो इसका मतलब है कि आप में कुंभ राशि के समान एक विराट प्रवृत्ति है, विराट हृदय है आपका, आपको अपार धन मिलने के योग बनते हैं और साथ ही साथ आप उस धन को दान के रूप में देने की सामर्थ्य भी रखेंगे। तो हमेशा मन में एक रहना चाहिए कि मुझे बड़ा दान करना है, मुझे बहुत मदद कर रही है। और शनि देव हैं तो जो बहुत मेहनत करते हैं समाज में उन लोगों की मदद अवश्य करें और अपने से छोटे लोगों की बिल्कुल भी निरादर न करें, उन्हें किसी भी तरीके से आप डिमोटिवेट ना करें, उन्हें इंसल्ट ना करें, वरना शनिदेव कुपित हो जाएंगे। यहां पे शनिदेव अगर सूर्य के साथ हैं आपकी कुंडली में तो पिता के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, ध्यान रखें। यहां पे फैमिली इक्वेशन बिगड़ सकता है, आप काफी इंडिपेंडेंटली अपना धन अर्जित करेंगे। अगर द्वितीय भाव में मीन राशि है तो यह भी दिखाता है कि फैमिली वेल्थ बहुत रहेगी, साथ ही साथ आपको मिलेगा भी बहुत। अब आप उसे अपनाते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं यह दिखाता है आपके जुपिटर की स्थिति को। अगर बृहस्पति की स्थिति अति खराब है, नीचस्त हैं बृहस्पति या बृहस्पति की कंडीशन बहुत पुअर है तो अवश्य ही यहाँ पे एक दिक्कत आएगी कि परिवार आपका साथ ही नहीं देगा, और बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको स्वतः ही सब कुछ मिलने लगेगा। आप तो सागर के मोती को चुन सकते हैं, तो आप काफ़ी सेलेक्टिव रहेंगे मनी मेकिंग में, जॉब करने में, बिजनेस करने में। तो थोड़ा अपने आप को ईजी करें, सोच समझ के आगे बढ़ें और एक भगवान की असीम कृपा हो इसके लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की उपासना करें। तो दोस्तों ये था 12 राशियों का दूसरे भाव का प्रभाव और कैसे आपके धन अर्जन में, सेविंग्स में, लाइफ में, सिक्योरिटी में ये ग्रह आपके लिए अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ इससे आपको कुछ राहत मिलेगी, कुछ आप उपाय आपको प्राप्त हुए होंगे जिससे आप धन अर्जित करने में या अगर जॉब में मिलने में, सेविंग करने में कष्ट आ रहा है तो थोड़ी सहायता आपको हो जाएगी। बाकी कुंडली विश्लेषण की बात है, अगर आप कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट चाहते हैं जो कंप्यूटर जनरेटेड है, 300 पेज की रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है, वो आप हमसे ले सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन भी डायरेक्टली आप बुक कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट पुनीत, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।